में है NBWS यानी कि निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी है, जो निको बांगो के तीनों गांव से रिप्रेजेंट करके हम एक कॉमन सोसाइटी के तौर पर यहां आए हैं। तो यहां आकर के हमारा साइड से निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी का साइड से सभी निको बांगो वासियों की ओर से हम एक छोटा सा बेड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को आज दिया गया। वो है एक सिंपल सा एक रैक है, एक आलमीरा है, जिसका सभी अभी अभी हम छोड़ दिया प्रिंसिपल को। और हमारा जो यहाँ में आने का जो मकसद है, इस तरह से जो इनिशिएटिव हम जो करा है उसका एक मकसद ये है कि इनकरेजमेंट करना। और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो पहले जैसा नहीं रहा, अभी बहुत वर्स कंडीशन में है, बहुत खराब स्थिति में है, तो उसको देखते हुए हम लोग जस्ट एक इनकरेजमेंट के तौर पर यहाँ आज जो इनिशिएटिव करा जा रहा है। और साथ साथ में हम NBWS सभी जितने भी आलोवासी हैं, जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी एंटरप्रेनर्स और जितने भी यहाँ के जो बड़े बड़े शख्स जो बाहर में भी बैठे हैं, उन सबको हमारी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह से अगर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो आने वाले सालों में जो चलता रहा तो यकीनन ये अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये हमारे आलो के एक आइकोनिक स्ट्रक्चर है, इसको हम आप सब मिलकर बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर मद्देनजर रखते हुए अगर इस तरह से आज देखेंगे तो हमारे गैदरिंग आज का जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से आपको जागरूकता देती है। तो ये इन छोटा सा वर्ड के साथ में हम हमारा बात को यहीं पे रखना चाहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले MPL चैनल को बहुत धन्यवाद, यहाँ स्कूल आलो में आप आए हैं यहाँ का कुछ समस्या सुनने के लिए। और ये जो निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी जो लोग आज आए हैं ये स्कूल को थोड़ा कुछ इंकरेजमेंट के लिए, उसको सवाल करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी को शॉर्ट में NBWS, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एपेक्स बोधी यहाँ में आए हैं, राइट फ्रॉम चेयरमैन सेक्रेटरी कम्युनियन मेंबर्स सब आए हैं। तो आप लोग आज जो हम लोग को ये जो एक दूध जैसा दिया है, तो ये तो हम एज यहाँ का अथॉरिटी हमको बहुत मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। तो यहाँ कौन कौन दिग्गज आए हैं वो तो पहले सेक्रेटरी से बता चुका है। तो ऐसा आप लोग एक गोदरेज आलमीरा बहुत एक बढ़िया चीज़ ला दिया। तो आप लोग ये सोचता है कि कोई बड़ा चीज़ तो आप लोग नहीं लाया है, तो आप लोग बोल रहा है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है तोहफा की कीमत देखी नहीं जाती, देने वालों का नियत देखा जाता है। नियत तो एकदम साफ है, बहुत बहुत अच्छा एनकरेजमेंट। तो मैं आप लोग यहाँ में कई लोग यहाँ का एलुमनाई भी होंगे, तो मैं खुद भी यहाँ का एलुमनाई हूँ। तो मैं जब यहाँ एज ए प्रिंसिपल 2021 में ज्वाइन किया था, तो उससे पहले मैंने कुछ ड्यूटी उड्यूटी में आता था, तो उस समय का हमारा देखने का नज़रिया अलग था। तो एज ए प्रिंसिपल जब हम ज्वाइन हुआ उसमें हमारा देखने का नज़रिया अलग हो। तो एज ए अथॉरिटी या एज ए यहाँ का वो हम भी एक एलुमनास है या लोकल है, उस नज़र से जो हम देखने लगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन को देख के हमको बहुत दुख लगा। तो ये जो हमारा मेन बिल्डिंग है, हम PWD वाला को भी एप्लीकेशन लिखा था थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए वेदर इट इज सेफ और नॉट। तो ये लोग वेरीफाई किया, तो इन लोग का डॉक्यूमेंट्स मेरा पास है। तो उन लोग का रिकॉर्ड का हिसाब से
ये 1961 का कंस्ट्रक्शन, तो उसका एज मैंने कई साल पहले पार हो गया, तो अभी ये आपका 60 इयर्स का आसपास में आ रहा है। तो ये स्कूल तो आप लोग भी मालूम है, जब हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट था, अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट तो करीब 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया, उस समय भी यही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था अमंग्स ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये हमारा अरुणाचल में वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है, 1948 का इस्टेब्लिशमेंट, 1952 में मिडिल हुआ, 1956 में सेकेंडरी हुआ और 1966 में हायर सेकेंडरी हुआ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हायर सेकेंडरी भी है, तब से ये हायर सेकेंडरी ये साल कर। तो हमारा यहाँ से प्रोमिनेंट फिगर बहुत है, अगर पॉलिटिकल फील्ड में देखा जाए तो हमारा आकांक्षा भी यहाँ का प्रधान है, लेर जाबोम गामलिन भी यहाँ का प्रधान था, अभी का एक्स मिनिस्टर आदो साहब भी यहाँ का, अभी का हम लोग का प्रेजेंट ऑनरेबल भारत मिनिस्टर ये भी यहाँ का है, और कई आईएएस ऑफिसर, मेरा ख्याल में ये हमारा एसपी रिटायर एसपी साहब भी यहाँ का है, ऐसा कई लोग हैं। लेकिन हम यहाँ जब आया देखा है तो ऐसे तो यहाँ का एलुमनाई नंबर अगर हम लोग गिना जाए तो अरुणाचल में सबसे ज़्यादा यहाँ में हो, ये स्कूल से हो, लेकिन हम यहाँ आके ऐसे ऑब्जर्व किया तो कोई लुक बेह नहीं, किसी तरह से लुक बेह नहीं। तो उस दिन हम एक एग्जांपल बता देता है, तो ये आपका एमपीएल न्यूज चैनल का माध्यम से हम ये अवेल करना चाहता है हमारा डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, हमारा लोकल पब्लिक को। उस दिन हम लोग का डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिसेंटली यहाँ आया, तो हमारा वो ऐसे तो फ्रेंड है, उनका बेटा बेटी जो है वहाँ में जिरदीन में पढ़ती थी, वो रोज फ्रिक्वेंटली वो आलो आया करता था। तो हम उनको बोला, पूछा, आप हर सेकेंडरी यहाँ अंदर को भी आया था क्या पहले? तो बोला है कि नहीं, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और उसमें वो ये बोला, हम फर्स्ट टाइम आके बहुत सरप्राइज हो रहा है, हम तो आलो का बारे में, आलो हर सेकेंडरी का बारे में, वो तो बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इस हालत में है बोल के हमको मालूम नहीं। वो भी बहुत सरप्राइज था, हमारा पासीघाट हर सेकेंडरी बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो इसको इसका हालत देख के हम बहुत सरप्राइज है, वो बोला। तो हम ज्वाइन करते ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ का जितना एनजीओ है, जो भी एलुमनाई है, इवन हम लोग का लोकल एमएलए को, सबको हम बुलाया, मैंने ग्रुप कर ऐसा करके पूरा चारों तरफ दिखाया ये हाल है, और साथ में मीटिंग भी हुआ। तो हम लोग का सबसे बड़ा ये जो एनजीओ जो ATPWDS है, ये लोग भी देख के बहुत दुख जताया, तो उन लोग का 5 पोजिशन का, उन लोग का कैपेसिटी का हिसाब से हमको 1,00,000 सेंक्शन हुआ, तो उसको भी ये लोग हमको ही एंट्रस्ट कर दिया था, काम करा ली। तो ऐसे तो पूरा बिल्डिंग डिलैपिडेट कंडीशन में है, उसका अंदर में और जहाँ में वल्नरेबल है उसको हम ये करके पॉइंट आउट करके हम रिपेयर किया, जैसे जहाँ में बारिश में लीकेज हो रहा था उसमें नया टीना डाला, और जहाँ में आप आते जाते वो गिरने वाला था उसमें नया तख्ता डाला, और इवन आपका ये जो नीचे में पिलर है जिसका ऊपर हमारा ये स्कूल जिसका ऊपर में है, वो सब भी मैंने आपका सीमेंट का ग्रिप आपका ख़त्म हो गया, सब फट गया। तो ATPWDS ये जो 1,00,000 हमको सेंक्शन हुआ था, उससे हम मसाला बना के वो पता हुआ जगह में सब में मसाला डाल के हम रखा है। तो ऐसा मैंने, तो हम तो सोचता है हमारा आलो का हम लोग का जो माइंड सेट बोलो ये बोलो,
इतना तो मैंने इतना लंबा इसको नेगलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए था। और दूसरा अभी हमारा उम्मीद इसी में है कि हमारा लोकल एमएलए जिन्हें साहब मालूम है ये जो मॉडल स्कूल गवर्नमेंट एक तो स्कीम अभी जो दिया है उसी में ये स्कूल आएगा, वो भी फर्स्ट लॉट में आना चाहिए। अभी सुना है कि मैंने 60 एमएलए जो है अपना अपना तरफ से एक एक सेलेक्ट किया, उसका मतलब 60 स्कूल्स हो गया। तो ये स्कूल को हमारा लोकल एमएलए जिनी साहब जो है सेलेक्ट किया है और उसका मैंने ये फील्ड में हम लोग बहुत काम कर चुका है। एमएलए साहब भी खुद दो बार तीन बार आ चुका है, पेपर वर्क भी मेरा तरफ से भी सब हो गया, प्रपोजल चला गया। तो हम इतना ही उम्मीद करता है कि अभी सुना है कि फर्स्ट लॉट में 12 स्कूल को सेलेक्ट किया जाएगा, तो हम उम्मीद करता है ये स्कूल उसमें 12 में आ जाए और जल्दी काम शुरू हो। और हम यहाँ में जो देखता है हमारा अरुणाचल, पूरा अरुणाचल में हम लोग का डिपार्टमेंट का फोरम है, इस ये स्कूल लेवल का जो हायर सेकेंडरी है ऑलमोस्ट सब में RCC मल्टी स्टोरी बन गई और यही अभी तो ऐसा बना हुआ। और एलुमने एसोसिएशन भी सब ने ऑलमोस्ट बन गया, लेकिन ये अभी तो हुआ नहीं। तो इसका बारे में हम लोग का स्पेशली आलोवासी एक तो रीथिंक करना चाहिए, हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है। तो अभी ये जो मॉडल स्कूल का बारे में भी अभी हमारा 27 लिरमोवा तो कंबा को सेलेक्ट किया है, आलो वेस्ट भागरा को सेलेक्ट किया है और ये हमारा जिनी साहब इसको सेलेक्ट किया। तो मैं यहाँ का अथॉरिटी और यहाँ का लोकल होने के नाते हम यही एडवाइस करेगा, क्यों ना ये तीनों हमारा ऑनरेबल MLA अपना अपना फाइट नहीं करके तीनों मिल के ये 12 जो फर्स्ट लॉट अभी प्रपोजल हो रहा है तीनों जो है ये स्कूल को प्रेफरेंस दिया जाए, पहले इसको कर लीजिए उसके बाद कम्बा या बारह में मैंने जाने से तो हमारा फर्स्ट लॉट में आने का चांस ज़्यादा बनेगा, नहीं तो वो भी क्लेम करेगा तो मैंने हैंगिंग भी हो सकता है। यही एक उम्मीद है। और लास्टली फिर ये निको पांगो वेलफेयर सोसाइटी को आप लोग आज आया, बहुत इनक्रेज किया और हम आप लोग का ये जो एक्ट है इसको हम ऑब्वियसली मॉर्निंग असेंबली जो हम लोग का हाईएस्ट गैदरिंग होता है स्कूल का वहाँ भी हम लोग आप लोग का ये एक्ट को बता देगा। तो जो भी स्कूल को शेयर करके आता है उसको मैंने हम स्कूल का स्टाफ जैसे लगता है उसको मैंने जैसे आपका 1994 का बैच भी ये गेट को हमको बना के हमको डोनेट किया, उनका साथ भी हमारा काफ़ी मेल जोल हो गया था। मैं उम्मीद करता है आप लोग आगे भी ऐसा इनक्रेजमेंट के लिए आगे भी आप लोग अपना तरफ से कोशिश करें। धन्यवाद।